तो आप ये बताओ कि अगर मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, हाँ, तो मेरे को कितना देना चाहिए? पहला है धर्म के लिए। धर्माय का मतलब होता है कि धर्म के काम में लगाना है। भंडारा चल रहा है, नारायण संस्थान में दून दुखियों की सेवा हो रही है, पहला वहाँ लगा दिया। अर्थाय, किसी का गाड़ी का काम है, उसकी जो बिजनेस है वो उसका बढ़े। काम आया, आपकी अपनी इच्छा होगी मैं चश्मा पहनूं, वो वाला फोन उसको भी पूरा करना है, नहीं तो पैसा कमा के करेंगे क्या? सजनाय, जैसे माँ है बाप है उनकी भी इच्छा पूरी करनी है, तो सैलरी के आपके हिस्से होने चाहिए। अगर आप 1 लाख कमा रहे धर्म के लिए, कम से कम 5 मान लो, 5,000 धर्म के लिए, 5%। हाँ, आप 5% कर दो, छोड़ो। मतलब ये आपके शास्त्रों में लिखा है कि, हमारे भागवत जी में लिखा हुआ हाँ, है कि आपकी जो भी अर्थ आता है, पहला 5,000 धर्म के लिए, दूसरा 5,000 व्यापार की वृद्धि के लिए। व्यापार में तो आप ज्यादा लगाओगे तो बोलने वाले बात है। फिर तीसरा हिस्सा हमारी कामनाओं के लिए, इच्छा पूरी करने के लिए, इच्छा पूरी करने के लिए। और चौथा घर वालों के लिए, किसी को जरूरत पड़ गई ना, जैसे इसलिए। आपने दीक्षा किससे ले रखी है? हमारे पाराशर जी, ये वृंदावन की है। कितना टाइम हो गया आपको दीक्षा लिए हुए? मैंने ली थी 13 में। जब कितने साल के थे? तो अभी हूँ मैं 32-33 का। 2013 में, जब फिर कितने साल के रहे होंगे आप? 23-24 साल के। 2010 में मैं वृंदावन लगा था। घर छोड़ के? छोड़ के नहीं, अच्छा मतलब प्रॉपर ना, घर में बता के कि भाई मैं जा रहा हूँ दीक्षा लेने। दीक्षा का पता उनको नहीं था, पढ़ने के लिए। अच्छा, आपने पढ़ाई इस चीज की कर रखी है? तो वैसी पढ़ाई नहीं कर रखी जैसे हमने नॉर्मल कर रखी है? नॉर्मल पढ़ाई भी कर रखी है ना। अच्छा, 9वीं से हम वृंदावन चले गए, 8वीं तक आपने गांव में पढ़ाई करी? 9वीं से वहाँ ज्वालपति भी। और फिर पढ़ाई इसी चीज की चल रही थी? हाँ, भागवत वाली तो बाद में, जैसे MABA होता है ना। हाँ, हमारा शास्त्री आचार्य से चलता है। BA वाले हमारा शास्त्री हो गया। अच्छा, MA माने हमारा आचार्य हो गया। अच्छा, ये ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन होती है? हाँ, 3 साल हमारा, फिर 14 में कथा बोलनी शुरू की। अच्छा, 2010 में आपने इसकी पढ़ाई शुरू कर दी, 2014 में आपने पहली भागवत कहाँ करी? फिर ज्वालपति में, जहाँ में शुरुआत की। 2010 से अपना खर्चा भी चलाया, घर का भी चलाया, पढ़ाई भी की। तो 10 में आपके पिताजी खत्म हो गए थे? 10 में खत्म हो गए, तब आप वृंदावन चले गए? मतलब इसी कारण से नहीं, पहले मन से था मेरा। रात को पूरा कथा सुनी जाते थे, रिकॉर्डिंग करता था मैं, तो फिर कान में लगा के, लीड भी नहीं थी, कान में लगा, फिर गुरुजी की बात कान में लगा के एक एक शब्द सुन के लिखते थे। रात को 9 बजे हम बैठ जाते थे, सुबह 5 बजे तक हम लिखते रहते थे। अरे भाई साहब, मतलब इतने PhD करने में करता तो शायद भाग खिल जाते मेरे। महाराज जी, जो यूं रहता है भाई, भागवतों की फीस इतनी ज्यादा रहती है, तो वो फीस मतलब आप लोग कोर्ट करते हो कि भैया मेरे को तो इतनी फीस चाहिए? ऐसा नहीं है, भागवत जी में लिखा विवाह या दृश्यम वित्तम तादृशम परिकल्प है। इसका मतलब ये कि जैसे आप बेटी का ब्याह करते हो। अच्छा, अब बेटी के ब्याह में खर्चा कितना होगा? नहीं बता सकता, तो वैसे ही करना चाहिए। अच्छा, मतलब खुला? हाँ, खुले हाथ से। 1,000 भी कर सकता है, 1,00,000 भी कर सकता है। हाँ, करोड़ भी कर सकता है। पैसे किसके हिसाब से खर्च करना चाहिए फिर? सामर्थ्य के अनुसार। ऐसा धर्म करके फायदा नहीं है कि आप कल रोड में बैठ जाओ। अच्छा, पहला है धर्म के लिए। अच्छा, धर्माय का मतलब होता है कि धर्म के काम में लगाना है। भंडारा चल रहा है, नारायण सेवा संस्थान में दून दुखियों की सेवा हो रही है, पहला वहाँ लगा दिया। अर्थाय माने हमारा किसी का गाड़ी का काम है, उसकी जो बिजनेस है वो उसका बढ़े, पैसे से पैसा बढ़े। काम आया, आपकी अपनी इच्छा होगी मैं चश्मा पहनूं, वो वाला फोन रखूं, है ना, उसको भी पूरा करना है, नहीं तो पैसा कमा के करेंगे क्या? सजनाय, स्वजनाय माने जैसे माँ है बाप है सब है, उनकी भी इच्छा पूरी करनी है, और किसी को जरूरत पड़ गई उनको भी समय पर मदद देते रहना। तो सैलरी के आपके हिस्से होने चाहिए, पहला हिस्सा जाना चाहिए धर्म के लिए, दूसरा आपके व्यापार की वृद्धि के लिए, तीसरा आपकी अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। ये बताओ कि अगर मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, तो कितना देना चाहिए? अगर आप 1 लाख कमा रहे हैं तो कम से कम 5 से 10 के बीच मान के चलो। 10,000 मेरे को धर्म के लिए या फिर इन चारों के लिए? धर्म के लिए कम से कम 5 मान लो, 5,000 धर्म के लिए, 5%। हाँ, आप 5% कर दो, छोड़ो। मतलब ये आपके शास्त्रों में लिखा है? हमारे भागवत जी में लिखा हुआ है कि आपकी जो भी अर्थ आता है। बिल्कुल, ये कहते हैं ना शुक्राचार्य जी बलि से कहते हैं। अच्छा, 4 जगह धन को देना चाहिए। अच्छा, इसलिए आप बिना सोचे बिचारे धन का प्रयोग मत दो। अच्छा, ऐसा भी होता है? पहला 5,000 धर्म के लिए जी, दूसरा 5,000 व्यापार की वृद्धि के लिए। व्यापार में तो आप ज्यादा लगाओगे तो बोलने वाले बात है। फिर तीसरा हिस्सा हमारी कामनाओं के लिए, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। और चौथा अपने घर वालों के लिए, किसी को जरूरत पड़ गई ना, जैसे इसलिए। भाई बहन है आपके? 2 भाई हैं 1 बहन है। तो व्यास बनने के बाद यूं कुछ हुआ कि अरे व्यास जी आ गए, अब तुमके चरण स्पर्श करने पड़ेंगे, ये है सो है? ना, अभी भी पिट जाते। मतलब उनको यूं नहीं होता यार, तो व्यास बन चुका है भाई। हमारे गढ़वाल में कहावत है ना, घर का जोगी जोगणा आन गाँव का सिद्ध। जोगी होता है ना, और गाँव के लिए तो सिद्ध होता है महात्मा जी है। अच्छा, घर के लिए तो कुछ नहीं है। अच्छा, तुम्हारा लड़ाई अभी भी होती है? हाँ, आप मारा अभी भी खाते हो? कभी खानी पड़ती है घर वाले। पर अच्छा तो लगा होगा कि भाई व्यास बन गया। हाँ, अच्छा लगता है। आप अगर बढ़िया कर्म कर रहे हैं तो आपके घर वाले प्रसन्न होते हैं, तो हमारे जो पिता है वो भी खुश होते हैं। अच्छा, हाँ। मतलब यूँ होता होगा ना, व्यास के हाथ से पूजा हो रही है तो वो भी बड़ी बात है। सबसे पहली बात बताऊँ, हम व्यास नहीं है, हमारे पुराणों में 28 व्यास हुए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, चतुर, कलयुग, चार युग हैं। तो हर द्वापर युग के अंत में तो व्यास जी आते हैं, भगवान व्यास बन के आते हैं। 28वां कलयुग है। अच्छा, पहले 27 कलयुग चले गए। अच्छा, ऐसा नहीं कि पहला चल रहा है। अच्छा, 28 बार त्रेता भी आ गया, द्वापर भी, सब आ गए। 28 द्वापर सतयुग आ गया, 28वां कलयुग चल रहा है। अच्छा, तो 28 व्यास जी हो गए,
हाँ। अब ये 29वें अब होंगे जब ये कलयुग का होगा। हम कथावाचक हैं कि हम जो लिखा हम उसको व्यास जी का जो प्रसाद उसको बोलते हैं। अच्छा, इसलिए व्यवहार के रूप में कहा जाता है कि व्यास जी हैं। अच्छा, व्यास जी हैं। अच्छा, इसलिए कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है। तो आपके सामने तो वो आए कभी, हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो इसको कुछ दे दो आशीर्वाद? हाँ, कई आते हैं। आप क्या करते हो फिर? देना क्या, उनको बोलो पढ़ाई करो भाई, भगवान जी का ध्यान करो, शक्ति मिलेगी, क्योंकि कर्म तो करना पड़ेगा ना। मैं, हमारे एक भैया हैं राहुल, उनका संतान नहीं रहे, उनके कैसा लोग थे। अच्छा। तो हमने कोटद्वार में कथा की, कलश होता ना पानी से भरा हुआ, वो उनकी जो धर्म पत्नी ने अपने सिर पे रखा, अगले साल उनके बेटा हो गए। अगर सच्ची श्रद्धा से पकड़े तो उनका हो जाता है। सही में उसके लिए आपको विश्वास चाहिए ना। हाँ, पर विश्वास चाहिए। ये तो पहली बार सुना मैंने ऐसा। मानो तो मैं गंगा जल, न मानो तो बेहतर पानी। आप व्यास बने जी, आपका उद्देश्य क्या था व्यास बनने? मेरा उद्देश्य ये है कि समाज को जगाना। समाज को जगाना। दूसरा, आप अपनी संस्कृति को पहचानो और अपनी जमीन को मत छोड़ो। अच्छा। कम से कम 6 महीने में, साल में एक चक्कर मारो। क्यों समझ लो, मैं कोई पूजा वूजा नहीं करता, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। बिल्कुल काम कर रहा हूँ मैं अपना, मतलब गृहस्थी चला रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ। तो तब भी भगवान खुश हो जाते हैं क्या? बिल्कुल होंगे। पर मैं तो हाथ नहीं जोड़ रहा हूँ उनके सामने। भगवान क्यों कैसे खुश होंगे, आप ये नहीं समझे। तो आप अपना कर्तव्य निभा रहे हो। अगर आप किसी दीन दुखी की सेवा कर रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो, आप अपनी जो लक्ष्मी सदुपयोग कर रहे हो, लेकिन उसके साथ आपको पूजा पाठ से भी जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारी पद्धति है। तो मेरा तो क्वेश्चन तो यही था ना, अगर आप नहीं करेंगे तो कल आपके आने वाली पीढ़ी नहीं करेगी। अच्छा। वो संस्कृति हमारी विलुप्त तो हो जाएगी। हाँ, ये समझ गए। और वो संस्कृति विलुप्त तो ना हो, बिल्कुल एकदम से लोप ना हो जाए उसका, इसलिए आपको करना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा। अगर मैं दोबारा वही वाला क्वेश्चन उठाऊं, कौन सी पूजा बड़ी है, कर्म वाली पूजा बड़ी है या फिर मूर्ति वाली पूजा बड़ी है? दोनों बढ़िया है। कर्म करो और मुझे याद करो, ये भगवान खुद कह रहे हैं। भगवान भागवत जी में कहते हैं, आप कहीं भी चलो काम कर रहे हो लेकिन घर वालों का ध्यान तो होता है, घर वाले हमारा इंतजार कर रहे हैं। ऐसे ही ये सोचो कि भगवान हमारा इंतजार कर रहे हैं कि भाई मुझे याद करेगा। अच्छा, समझ गए हमें कि कर्म बढ़ाए कि धर्म बढ़ाए ना। हाँ। यही पूछना चाहते हैं। हाँ। कर्म बढ़ाए, लेकिन कर्म बढ़ाए तब होगा जब धर्म उसको बताएगा, वो आपको कथा बताएगी, धर्म ही बताएगा कर्म कैसे करना है। सबसे ज्यादा हरास आज ब्राह्मण वर्ग का हो रहा है, इसलिए आज मैं नहीं चाहता कि मैं अपने बेटों को कल ब्राह्मण बनाऊं। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि पूछ नहीं है, इज्जत नहीं है। नहीं, इज्जत तो क्यों नहीं है, यहाँ है लेकिन ब्याह में नहीं है। आप ब्याह में चले जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है, कई नौकर समझते हैं। ऐसा भी हुआ है? बिल्कुल, अक्सर होता है। तो हम नहीं चाहते कि हम अपने बेटों को पंडित बनाए, कोई ब्राह्मण नहीं चाहता कि अपने बेटों को पंडित बनाए। बस सही में, बिल्कुल। मतलब पहले तो ये होता था कि पुरोहित चलते थे कि भाई बेटे का बेटा, बेटे का बेटा चल रहा है। अब नहीं है, अब वो यजमान चले गए, वो यजमानों की मानसिकता चलेगी, इसलिए आदमी अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहता है। तो किसी का बेटा लाखों कोर्स कर रहा है तो मेरा बेटा भी करे। ये तो बड़ा अजीब लगा मेरे को सुन के। यही तो भ्रांतियां हैं, ये काजू किशमिश दिखने के होते हैं। तो वृंदावन वगैरह जाओ, वृंदावन क्यों नहीं जाते आप लोग? वृंदावन में मैं नहीं गया, काफी टाइम हो गया। आप जाएंगे तो परिवार को साथ लेके जाएंगे। तो अच्छा, ऐसा भी होता है जन्मपत्र नहीं मिले? नहीं मिलती ना वैसे आजकल, क्योंकि जरूरी तो नहीं अच्छा रिश्ता आके जन्मपत्र नहीं मिले किसी का। कुछ दोष लग गया तो उसका विधान होता है कि चलो भाई महामृत्युंजय जप कर लीजिए, आपका गृहस्थ बढ़िया चल जाएगा। मतलब अगर मेरी कहीं कहीं किसी लड़के से कुंडली नहीं मिल रही तब मैं महामृत्युंजय जप कर। उन्हें वो तब है कि जब ज्यादा खानदान बढ़िया है, मतलब पैसे वाला होना चाहिए खानदान। नाना पक्ष कैसा है, अगर नाना पक्ष धार्मिक होगा तो जो बेटी के संतान होगी बढ़िया होगी। मेरे मामा जी ये नाना जी मेरे बड़े धर्मात्मा थे। हाँ। तो हमारे अंदर उनका गुण, उनका भी 80% 50% गुण है, इसलिए तो कहते हैं कि अपने खानदान के बराबर जिसकी जैसी सोचे सोच के अनुसार ब्याह करना चाहिए। अब लोग नहीं मानते तो अलग बात है भाई, अब जहर खाने से बड़े कर ले भाई तू ब्याह। नहीं, हाँ ये भी सही बात है। अगर मरना भागने से बढ़िया, भागने से बढ़िया बेइज्जत होने से बढ़िया, अगर मरने से तुमने मरना ही है तुम ब्याह कर लो, क्या दिक्कत आ रही है। वो तो मजबूरी होगी माँ बाप की ना, और ये अधिकांश आजकल हो रहा है। हाँ। माँ बाप खुशी में कम दुख में ज्यादा कर रहे हैं। पहली भगवत हमने कोटद्वार में करी थी, नहीं जल पर देवी में, उसके बाद दूसरी कोटद्वार में। कोटद्वार का कैसा था आपका एक्सपीरियंस? कोटद्वार में तो हजारों की जनता थी, जनता तो धर्म प्राण हो ही चुकी है, पर यह है कि कथाओं के माध्यम से गलत संदेश भी जा रहा है लोगों को ना। कथाओं के माध्यम से गलत संदेश जा रहा है? कैसे? हमारे क्षेत्र में कई लोग ऐसे भी घुसे हैं जिनको कथा से कोई मतलब नहीं है, बस लक्ष्य ये है कि ना जाए इतना आ जाए। अच्छा, अरे बाप रे, ये जो पाखंड हो रहा है इसको हटाना चाहते हैं, इसी ये भी हमारे कथा का जो मुख्य है उद्देश्य है। आपने यूं बोला था ना कि कर्म बढ़ा के धर्म बढ़ा। हाँ, तो आप बता रहे थे कि मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा। हाँ। उससे ये होगा, मान लो मैं यजमान के यहाँ जा रहा हूँ तो मुझे तो नहीं पता यजमान कैसे कमा रहा है, अब वो कुछ भी कर रहा हो उसका मामला है। हाँ। जैसे यहाँ किसी ने भ्रष्टाचार से कमाया है, वो मैं यहाँ से लेके गया दक्षिणा के रूप में, जैसे जितनी मालाएं चढ़ रही है तो वो मेरे पाप आ रहा है। तो इसमें आपकी गलती? गलती मेरी नहीं है, जिस बंदे ने माला पहनाई है उसका पाप मेरे ऊपर आ गया,
मेरे गले में आ गया, उसको काटने के लिए मैं संध्या बंदन गायत्री जप कर हम करते हैं ताकि वो कट जाए। अब इस अन्न को मैं प्रदक्षिणा को घर में ले जाऊंगा, जो उससे करूंगा तो उसका प्रभाव मेरे घर वालों के ऊपर भी पड़ेगा। इसलिए मेरे घर वाले में सब पूजा करते हैं। तो होता क्या भैया कि अगर मैं उस अन्न का शोधन नहीं करूंगा तो उस अन्न से जो शक्ति बनेगी, समझ गए, उस शक्ति से जिस संतान का जन्म होगा, समझ गए, वो भी फिर वैसी निकली, उस संतान में उसी अन्न का दोष आएगा। अरे भाई साहब, इतना तगड़ा विज्ञान है, आप बोले तो मैं क्यों पूजा करूं, इसलिए करेंगे। इसलिए आप कुछ ना करो, हनुमान चालीसा पढ़ो। आज कारण क्या है कि बेटा बिगड़ गया, एक संगति का असर है। हाँ, संगति का असर है, लेकिन माँ बाप धार्मिक है, बेटा बिगड़ गया क्योंकि माँ बाप कहीं से नौकरी करके लाए, घुसपास से जो भी खाया, तो उस अन्न का दोष संतान में आएगा। अच्छा, इसलिए उस अन्न को शोधन करने, शोधन माने अन्न को दोष दूर करने के लिए, पैसे के रूप में जो आ रहा है उसको आप पूजा करो। तो मतलब अगर जैसे किसी ने भ्रष्टाचार करके पैसा कमाया, मैं उसके घर गया, उसने मेरे को 500 रुपए का लिफाफ दे दिया, हाँ, तो वो भी पाप के रूप में आ रहा है, विशेष रूप से हमारे लिए। अच्छा, आप लोगों के लिए, आपके लिए भी है, लेकिन हमारे लिए ज्यादा है।